सो गाइस दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए बीएन वीडियो एडिटर ऐप में ट्रेंडिंग लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस वीडियो पर मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया है। तो जल्दी से हम अपना ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ बीएन वीडियो एडिटर ऐप में। तो बीएन ऐप ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें नीचे जो प्लस आइकन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ से वीडियो से फोटो ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ से आप अपना पिक्चर को ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपना पिक्चर ऐड कर लेता हूँ और सबसे पहले हम लिरिक्स एडिटिंग सीख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप जो इस तरह यह पोस्टर बना सकते हो, ठीक है, काफ़ी ईजी बना सकते हो। मैं आपको सारा प्रोसेस इस वीडियो पर बताऊँगा। तो सबसे पहले पिक्चर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर एक वॉटरमार्क आता है, आप देख सकते हो, इसको आपको डिलीट कर लेना है यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करके। उसके बाद इसका टाइमलाइन को हमें इस तरीके से छोटा कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। एंड देन हमें क्या करना है, इसका टाइम ड्यूरेशन को बड़ा करना है। यहाँ पर आपको इसका टाइम ड्यूरेशन दिखाई देगा, तो इसको इस तरीके से आपको पकड़ के बड़ा कर लेना है इसका टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, अपने हिसाब से। आप जितने सेकंड का वीडियो बनाना चाहते हो, लिरिक्स एडिटिंग करना चाहते हो, उसी के हिसाब से आप ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो, टैप टू ऐड स्टिकर स्लैश पीआईपी। सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से वीडियो स्लैश फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ से अपना लिरिक्स सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले वॉल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना फोल्डर चूज़ करेंगे। तो लिरिक्स का लिंक मैं दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है। सो ब्लैक स्क्रीन के साथ होगा तो आप उसे इजीली अपने किसी भी वीडियो पर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले लिरिक्स आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो लिरिक्स हमारा कुछ इस टाइप का आप देख सकते हो। तो इसको हमें बड़ा कर लेना है इस तरीके से एंड बड़ा करके आप इसे यहाँ पर ऊपर की तरफ सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है एंड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होगा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से कलर बार नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। सॉरी, इसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है कलर डॉज के ऊपर। ये आप देख सकते हो कलर डॉज, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद इसको सिंपली कर देना है डन, ठीक है। सो उसके बाद इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इतना बड़ा आई थिंक सही है। उसके बाद इसके स्टार्टिंग पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉल्यूम, इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर इसका वॉल्यूम म्यूट हो जाए तो आपको इसे पूरा फुल कर लेना है एंड दैट्स इट। यहाँ पर हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। यहाँ से हम अपना वीडियो को अगर प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमारा लिरिक्स वीडियो एडिटिंग हुआ, आप देख सकते हो। तो काफ़ी इजीली हमने लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर लिया और यहाँ से आप अपना म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अपना कोई म्यूज़िक ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से आप लिरिक्स एडिटिंग कर सकते हो। अभी क्या करना है, हमें इस वीडियो को सेव करना है। तो वीडियो सेव करने के लिए हमें जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप रेजोल्यूशन चूज़ कर लेंगे 4K, FPS आप चूज़ करेंगे 60 एंड बिटरेट आप चूज़ करेंगे हाई। उसके बाद टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है तो हमारा वीडियो हमारे गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं किस तरीके के पोस्टर आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ बैक, ठीक है, इसको एग्जिट कर लिया एंड उसके बाद आप अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन को एक बार ऑन कर लेंगे और यहाँ पर आपको सीधा चले जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र पर। सिंपली आपको ये सर्च करना है remove.pg, ठीक है। देन आपको नीचे वेबसाइट रिकमेंड करेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, ठीक है। सो देन आपको यहाँ पर मिलेगा अपलोड इमेज, इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उसको इरेज कर लेना है। तो मैं फ़ोटो का बैकग्राउंड आपको इरेज करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ से मैंने अपना पिक्चर सिलेक्ट कर लिया, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला पिक्चर। तो पिक्चर सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। आप देख सकते हो हमारा फोटो अपलोडिंग हो रहा है। तो अभी कुछ ही देर में हमारा जो फोटो उसका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ कर लेना है। ओके, तो आप देख सकते हो हमारे फोटो का बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस फोटो को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपका पिक्चर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इस पिक्चर को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसका बैकग्राउंड इरेज कर लिया, ये आप देख सकते हो। तो ये मुझे दोबारा बोला इसको डाउनलोड करना चाहेंगे या नहीं, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से आ जाना है बैक और सीधा हमें क्या करना है, फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर लेना है और आपको ज़रूरत पड़ेगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है।
तो पिक्सार टैब ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है एंड देन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एडिट फोटो के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहाँ से कोई भी कलर को पिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कलर को पिक कर रहा हूँ। उसके बाद बैकग्राउंड हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से क्रॉप कर लेना है इसे, सॉरी टूल्स के ऊपर क्लिक करके आपको क्रॉप करना है। यहाँ से पोर्ट्रेट को चूज़ कर लेती या यहाँ से इसको चूज़ करते एंड इसको सिंपली कर देना है डन। उसके बाद यहाँ से आपको अपना फोटो ऐड करना है, जिस फोटो का बैकग्राउंड आपने इरेज किया था अभी, तो ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना सिंपली फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैं अपना पिक्चर ऐड कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हो। पिक्चर ऐड होने के बाद आपको इसे बड़ा कर लेना है इस तरीके से एंड बड़ा करके आपको इसे बिल्कुल नीचे की साइड में यहाँ पर सेट कर लेना है। तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, आई थिंक इतना बड़ा सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ ऊपर मिरर का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है एंड इसका जो आपको इरेजर ऑप्शन पर आना है और इसका ओपेसिटी कम कर लेना है एंड हार्डनेस को भी आपको बिल्कुल कम कर लेना है। उसके बाद इसके नीचे के साइड में आपको कुछ इस तरीके से नीचे का जो हिस्सा है उसको आपको इरेज कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। पता नहीं लगना चाहिए कि नीचे की साइड में एजेस दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ इस तरीके से नीचे का साइड को इरेज कर लेना है लाइक दिस, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। सो ये मैंने कर लिया, अभी इसको सिंपली कर देना है डन। डन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है। उसके बाद आपको इस कोना पे टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आ जाना है ड्रॉ टूल पर एंड यहाँ से आप अपना फोटो को सेव कर लेंगे, सेव इमेज के ऊपर क्लिक करके। तो इस तरीके से आप इस तरीके फ़ोटो डिज़ाइन कर सकते हो या फोटो आप बना सकते हो काफ़ी इजीली। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो पर दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।